The next disorder which we are talking about is attention deficit hyperactivity disorder, और इसको ADHD भी फॉर शॉर्ट कहते हैं. इसके दो फीचर्स हैं, वन इज इनअटेंशन एंड द अदर वन इज हाइपरएक्टिविटी. सो इनअटेंशन एंड डिसऑर्गेनाइजेशन विच इज द फर्स्ट कंपोनेंट इंटेल्स इनएबिलिटी टू स्टे ऑन टास्क. द चाइल्ड इज अनएबल टू वर्क फॉर अ लॉन्गर पीरियड एक किसी भी टास्क के ऊपर. और दूसरा जो इसमें नजर आता है कि बच्चा सुन नहीं रहा आपको. एंड द थर्ड वन इज लूजिंग मटीरियल, अपनी चीजें जो है वो भूलता है, गुम कर देता है. एंड द पेरेंट्स डू कंप्लेन कि बच्चा कभी अपना स्टेशनरी बॉक्स छोड़ा है और कभी उसने लंच बॉक्स छोड़ा है, कभी पूरे का पूरा बैग भूल के आ गया. तो दिस इज एक्चुअली ड्यू टू इनअटेंशन एंड डिसऑर्गेनाइजेशन एंड आल्सो एट लेवल्स दैट आर इनकंसिस्टेंट विद द एज. ऑफकोर्स हर बिहेवियर जो इनकंसिस्टेंट टू दैट पर्टिकुलर एज या एक्सपेक्टेड ऑफ दैट एज है वो होगा, तो ही आप उसको डिसऑर्डर या की तरफ लेके चलेंगे. हाइपर एक्टिविटी एंड इम्पल्सिविटी विच इज द सेकेंड फीचर दैट इंटेल्स ओवर एक्टिविटी, बहुत ज्यादा काम करता है ये बच्चा, काम मीन के ओवर एक्टिव नजर आता है. एंड फिजिटिंग, फिजिटिंग विद मीन्स के फिजिटिंग विद फिंगर्स, फिजिटिंग विद नेल्स, फिजिटिंग विद लाइक शोइंग एंजाइटी के ओवर एंक्शियस है बच्चा. इनएबिलिटी टू स्टे सीटेड, और पर्टिकुलरली स्ट्रक्चर्ड इन्वायरमेंट में इसका बड़ा मसला आता है कि अगर स्कूल की स्कूल इन्वायरमेंट में इस बच्चे को सेटल होने में या एडजस्ट होने में मुश्किल होता है, और वहां पे ज्यादा ये मैनिफेस्ट होती हैं चीजें ADHD पर्टिकुलरली, बिकॉज वहां पे ये आपको अटेंशन की भी जरूरत होती है और आपको एक्टिविटी को भी एक मेंटेन्ड लेवल तक रखने की जरूरत होती है. सो द चाइल्ड वुड बी अनएबल टू स्टे सीटेड फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, और वो दूसरों की जो एक्टिविटी है उसके अंदर ज्यादा इंटरफेयर करेगा या ज्यादा उनको इंटरप्ट करेगा. और ऑल्सो दैट चाइल्ड इज अनएबल टू वेट फॉर टर्न्स, मतलब ये जैसे क्यू करते हैं या अपनी टर्न का इंतजार करते हैं, तो इस तरह के इंडिविजुअल या बच्चे को वेट करना मुश्किल होता है. एंड सिम्टम्स आर ऑफकोर्स एक्सेसिव ऑफ द एज. ये इसलिए है कि नॉर्मली भी बच्चों में अटेंशन डिफिसिट भी होता है और वो हाइपर एक्टिव भी होते हैं. और हम अगर देखें कि जी उस सर्टन एज के रिलेटेड जो नॉर्मली ज्यादा बच्चों में किस तरह की कंडीशंस पाई जाती है या ज्यादातर बच्चे उस एज में किस तरह का बिहेवियर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो अगर उससे ये एक्सेसिव होगा तो फिर हमें इसको अटेंशन देने की जरूरत है. ऑफ कोर्स इट इंटरफेयर्स विद द फंक्शनिंग और डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल, और इसकी इन अटेंशन या हाइपर एक्टिविटी में से अगर सिक्स और मोर देन सिक्स सिम्टम्स हों इस बच्चे के अंदर फॉर अ 6 months टाइम, इट डजंट मीन के एक हफ्ते में या दो हफ्ते में या एक महीने तक अगर उसका बिहेवियर मैनिफेस्ट होता है तो हो सकता है कि वो खत्म हो जाए, वो ट्रांजिटरी है. लेकिन अगर वो 6 months तक परसिस्ट करता है कम अज कम, तो आपको डायग्नोसिस की तरफ जाना है. एंड लास्टली इट इंटरफेयर्स, इट नेगेटिवली इम्पैक्ट डायरेक्टली ऑन सोशल एंड ऑक्यूपेशनल एंड एकेडेमिक फंक्शनिंग ऑफ द चाइल्ड. वो इसलिए कि ये दोनों चीजें जो हैं, अटेंशन एंड इनअटेंशन एंड हाइपर एक्टिविटी, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन मेंटेनिंग सोशल रिलेशंस, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन एकेडेमिक परफॉर्मेंस ऑफ द चाइल्ड एंड ऑल्सो रिटेनिंग इन्फॉर्मेशन. जो भी उसको इंस्ट्रक्शन स्कूल से मिल रही है या लेक्चर के दौरान, उसकी एबिलिटी टू बी अटेंटिव एंड ऑल्सो एबिलिटी टू स्टे स्टिल फॉर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड ऑफ टाइम इज वेरी मच रिक्वायर्ड. अगर ये दोनों नहीं होंगी तो ये डायरेक्टली उनके सोशल रिलेशनशिप्स को भी और उनकी एकेडेमिक फंक्शनिंग को भी इफेक्ट कर रहे होंगे.